4 अप्रैल 2022 त्रिपुंड शिव महापुराण कथा जो कि रायसेन में चल रही है। इस कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 2 से 3 काफी अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। उनमें से एक उपाय था कर्जा मुक्ति उपाय। यह उपाय काफी आसान है। उपाय इस प्रकार है, वट वृक्ष के नीचे आपको दही के शिवलिंग का निर्माण करना है। दही के शिवलिंग की आप वट वृक्ष के नीचे पूजा कीजिए। जिस प्रकार से आप प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप इस शिवलिंग की भी पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए, सब कीजिए और अंत में आपको इसमें काली तिल अर्पित करना है। काली तिल अर्पित कीजिए, अपना कर्जा का ध्यान रख के महादेव से विनती कीजिए, महादेव हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारा कर्जा जल्द चुक जाए। इसके बाद उस शिवलिंग का विसर्जन कर दें। 5 सोमवार करके देखो, लक्ष्मी खुद आना प्रारंभ हो जाएगी और कितना भी बड़ा कर्जा हो वह जरूर चुक जाएगा। आशा करता हूँ गुरु जी का बताया गया यह उपाय आपको उपयोगी लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें।